हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना चरणजीत सिंह चहल आपके सामने, और लोग मुझे बड़े प्यार से चिंटू बोलते हैं। रोल साउंड एक्शन। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरी वीडियोस का मजा ले पाएंगे। तो आज का पहला टॉपिक है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, वो है ड्रेसिंग सेंस इन जिम्स। भी लोगों को कैसा ड्रेसअप करके जिम में आना चाहिए। ज़्यादातर आपने लोगों को देखा होगा जिम्स में आ रहे हैं, तो कई आपको प्रोफेशनल्स दिखेंगे जो बहुत अच्छे ड्रेसअप में आते हैं, कि उन्होंने प्रो कॉम्बैक्स डाले हुए हैं, नाइकी ड्राई फिट डाला हुआ है, शूज़ बहुत अच्छे डाले हुए हैं। पर कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल नाइट सूट में ही जिम्स में आ जाते हैं, कि वो बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं लगता एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि हर एक जगह का एक ड्रेसअप बनाया गया है। जैसे कि आप अपने ऑफिस जाते हैं, अगर आप अपने ऑफिस गए हैं तो आप वहाँ पे प्रॉपर सूट बूट होके या फिर जो आपकी ऑफिस की कोई भी ड्रेसिंग है आप उसी में जाते हैं। अगर आप वहाँ पे अपना नाइट सूट पहन के जाएंगे तो आप कैसे लगेंगे? तो लोग आपको ऐसे देखेंगे खड़े होकर, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया होगा। ऐसे ही जिम में भी आपको लोग ऐसे देखते हैं जब आप ऐसे कपड़े डाल के जाते हैं, भी ये क्या डाल के आ गया है। हर एक चीज़ के लिए ब्रांड में हर एक चीज़ बनाई है। जैसे कि आप स्पोर्ट्स को लीजिए, स्पोर्ट्स के लिए नाइकी है, एडिडास है, प्यूमा है। अगर आप ये सब चीज़ें इसी के लिए बनी हैं कि आप जब जिम्स में जाएं तो आप अच्छा ड्रेसअप करके जाएं। अब प्रोफेशंस की बात लीजिए, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इन सबका एक ड्रेस क्राइटेरिया है। अब वो उसके हिसाब से ड्रेसिंग करके ही जाते हैं। अगर वहाँ पे वो लोअर डाल के जाएँ ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है लोअर टी शर्ट में, तो कैसा लगेगा वो? सो बेसिकली मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप जिम्स में जा रहे हैं तो वहाँ का एक ड्रेसअप है, स्ट्रिंगर वेस्ट है, स्लीवलेस आती हैं, वेस्ट आती हैं आपकी सारी, ड्राई फिट्स आते हैं, लोअर्स आते हैं। इतनी इतनी बड़ी कंपनियाँ खुली हैं, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, लोगों ने उन्हें फेल कर रखा है। नहीं, वो दे अब मैं कई बार अपना जिम मैं एक्सेस करने जा रहा होता हूँ तो मुझे कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं बहुत अच्छा सूट अपना ड्रेसअप करके मैं जिम जाता हूँ और मेरे साथ में एक आदमी लोफर्स डाल के और जॉकी का ट्रंक डाल के ट्रेडमिल कर रहा है, तो मुझे बहुत अजीब लगता है उसको देख के भी, ये क्या हो रहा है जिम्स के अंदर। बिकॉज यहाँ पे एक तो अवेयरनेस नहीं है इतनी, तो मैं ये अवेयरनेस लाना चाहता हूँ भी, ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि नहीं भी हर चीज़ हर एक जगह का ड्रेसअप है। अब आप बात कर लीजिए, शादी की बात कर लीजिए, कहीं मैरिज हो रही है ना, लोग कपड़े सिलवाते हैं, शेरवानी सिलवा रहे हैं, कोट पैंट सिलवा रहे हैं, वो सब होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप एक फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज़ आप जिम में ले लीजिए, अब जिम में आप शेरवानी डाल के आएंगे तो कैसा लगेगा, है ना। तो हर एक चीज़ की एक इम्पॉर्टेंस है, तो आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए आपको कि जिम्स के लिए भी एक ड्रेसअप बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बनाता है जिम के अंदर। और सबसे बड़ी बात, एक बॉडी एडोरेंस को लेके बात भी कर लीजिए। अगर हम ड्रेसिंग सेंस पे ही बात कर रहे हैं, लोग ज़्यादातर जिम्स के अंदर डीओ नहीं यूज़ करते, वो यूज़ करने बहुत ज़रूरी हैं। और सबका बॉडी ऑर्डर एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको करना चाहिए जिम्स के अंदर। इतने बड़े बड़े उन्होंने चार्ट्स पे होल्डर्स लगे लिखा भी होता है विद दैट यूज डीओ वाइल यू आर ऑन ट्रेडमिल, तो फिर भी लोग नहीं इतना ध्यान नहीं देते। बॉडी ऑर्डर इनको इतना इतना ख़तरनाक है कि साथ वाले को उतरने पे मजबूर कर दे। अगर कोई मेरे ऐसा बंदा टारगेट करके चला है कि मैंने 60 मिनट की ट्रेडमिल करनी है, अगर 20 मिनट पे कोई आके मेरे साथ ऐसा आदमी चढ़ दे तो मैं 2 मिनट में नीचे उतर जाऊँगा, मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हाइजीन जो है वो रखनी बहुत ज़रूरी है जिम्स के अंदर, क्योंकि आप देखिए इक्विपमेंट को यूज़ कर रहा है तो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल यूज़ कर रही है, तो सबका बॉडी ऑर्डर अलग अलग है, सब पसीना स्वेटिंग हो रही है, तो लोग अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा कि मैं आपके सामने ये चीज़ मैंने पेश की। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने ड्रेसिंग सेंस के बारे में बोला होगा, तो मैं ये चीज़ सबसे पहले आपके सामने पेश करना चाहता था। अगर आपको लगता है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पर बनानी चाहिए, आप अपने सुझाव मुझे कमेंट्स में आप लिख कर दे सकते हैं। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उसके ऊपर अगली वीडियो बनाएंगे। मैं आपको बड़ा थैंकफुल हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखी, और मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उस पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी और एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस लेके आऊँगा फिटनेस के रिगार्डिंग। थैंक यू।